फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता आज सेक्टर 6 में पहुंचे। यहां पर विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विधायक नरेंद्र गुप्ता स्थानीय लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो समस्याओं के स्थायी समाधान में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि विकास कार्य पूरे होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन लंबे समय से लोगों की जो समस्याएं चली आ रही हैं उनका स्थायी समाधान होगा। देखिए, सेक्टर 16 RW के द्वारा यहाँ बुलाया गया था मेरे को, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, थोड़ा सीवर और पानी की समस्याओं के बारे में बताया, स्टॉर्म वाटर की समस्याएं थी। तो निश्चित ही हमारा मानना है कि भाई सभी को मीठा पानी मिलना चाहिए। हम पूरे बूस्टर्स पे कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ा दें पानी की, रिस्काडा के द्वारा मीजर करके पानी दें तो हमें पता चल पाएगा कि अगर पानी की कमी होगी तो उसको भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक स्टॉर्म वाटर की समस्या है, हमने अधिकारियों को बोल दिया जो जो स्टॉर्म वाटर्स के मेन होल्स चौक हो चुके हैं उन्हें खुलवा देंगे, और पानी जाने का जो पहले स्टॉर्म लाइट बंद थी, अगर कोई बंद होगी तो उसको पूरा लास्ट तक उसका दोबारा से चेंज करा देंगे। मुझे लगता है कि इस पॉकेट में ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं, जो भी छोटी मोटी समस्याएँ उनको जल्दी से निकालना हम करा देंगे। वहीं इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता के सामने स्थानीय लोगों ने निवर्तमान पार्षद की शिकायत की और आरोप लगाया कि पार्षद ना तो अपने इलाके में आते हैं और ना ही समस्याओं का समाधान करते हैं, जिसे लेकर भी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया। सर, निवर्तमान पार्षद की शिकायत करते हुए स्थानीय निवासी नजर आए हैं कि 5 साल में विकास नहीं करवाए, और अपील की है कि अगली बार ऐसा पार्षद चुने जो कम से कम जनता के बीच में रहे और काम करवाए। देखिए, पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी समय देख के अच्छे ही कार्यकर्ताओं को चुन के टिकट देती है। मुझे लगता है कि स्थितियों के अनुसार पार्टी सही निर्णय लेगी। ठीक, आपको बता दें इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता द्वारा स्थानीय पार्क में धौलपुर पत्थर टाइले लगाने सहित अन्य जीर्णोद्धार कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।